हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक ठाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हम हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस की अराउंड पाकिस्तान में 85,000 है, जो कि काफ़ी ठीक प्राइस है इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अगर सोच ली इसकी रैम की तरफ चलते हैं, तो इसके अंदर 8 GB रैम और 128 GB रैम के खाले वेरिएंट आते हैं, जिसके साथ आपको 256 GB का सपोर्ट मिलता है। और ये सिर्फ इसकी ओनली प्रो वन टू के अंदर सिर्फ यही वेरिएंट आ रहा है 256 GB वाला, तो आपको यही बाय करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आता है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 865 5G, जो कि काफ़ी कमाल का चिपसेट है इस प्राइस रेंज में भी। तो ये मतलब इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, तो 4000 mAh की इसकी बैटरी है, जिसके साथ 18W का फास्ट चार्जर आता है, जो कि मुझे इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी 5000-6000 mAh की बैटरी आती हैं, कि ये कोई मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो ये अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें, तो इसके अंदर 6.5 इंचेस का हार्ड डिस्प्ले आता है। और इसकी वेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर 181.4 ग्राम का वेट है, जो कि काफ़ी ठीक इन लोगों ने इसको किया है। और अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, तो इसके अंदर फ्रंट में यहाँ पे हमें ग्लास मिलता है, जो कि गुरिल्ला का ग्लास सिक्स है। अगर हम इसके बैक की बात करें, तो बैक में भी ग्लास है, जो कि गुरिल्ला ग्लास 6 है। और अगर हम इसके और इसमें एल्युमिनियम फ्रेम इस्तेमाल की गई है, जो कि काफ़ी कमाल है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें, तो इसके अंदर OLED का डिस्प्ले आता है, जो कि 1 बिलियन कलर्स जनरेट कर सकता है। और इसके अंदर HDR BT 2020 का सपोर्ट है। ये एंड्रॉयड 11 के ऊपर रन करता है। इसका मेन कैमरा 12 MP 24mm का वाइड कैमरा, 12 MP का टेलीफोटो एंड 12 MP का अल्ट्रा वाइड। अगर हम इसके मेन कैमरे से हम 4K विद 24, 25, 32 and 30 FPS विद फुल HD और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर आप 180p विद 30, 60 and 120 FPS भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करें, तो उसके अंदर आप 8 MP का सेल्फी कैमरा आता है विद फुल HDR। और अगर हम इसकी वीडियो की बात करें, तो इसके अंदर 180p विद 30 FPS आता है। और अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, तो इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, जो काफ़ी कमाल है। और इसके अंदर 3.5 mm का जैक भी है। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें, तो इसके अंदर USB Type-C नॉर्मल आता है, जो कि ठीक ही है। और अगर हम इसके कलर वेरियंट्स की बात करें, तो इसके अंदर कलर में एक इसके ब्लैक आता है, एक पर्पल है और एक मिरर लेक ग्रीन है, जो काफ़ी मिरर लेक ग्रीन मेरा अपना फेवरेट है। और अगर हम इसकी फिंगरप्रिंट की बात करें, तो इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आती है विद एंड फेस रिकग्निशन भी इसमें सपोर्ट है। और अगर हम इसकी ब्लूटूथ की बात करें, तो उसके अंदर ब्लूटूथ 5.1 है विद Wi-Fi 802.11, जो कि काफ़ी मुझे ठीक ही लगी, जिसकी स्पीड बहुत कमाल है। अच्छा, तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी कमाल की वीडियोस आगे आगे मिलती रहें। ओके, तो